नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा जैन लवानिया, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, जे जे हॉस्पिटल आगरा से। सो आज हम डिस्कस करेंगे एनएलडीओ। एनएलडीओ क्या है? कंजेनाइटल एनएलडीओ मींस कंजेनाइटल नेसोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। सो इसके लिए पहले हमें समझना होगा लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम। जो हमारे टीयर्स होते हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और कैसे ड्रेन होते हैं? तो जो हमारे टीयर्स होते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारे लिटिल पार्ट ऑफ आई में होती है। उसके बाद वो हमारे आईज में नीचे दोनों लिड्स में ना छोटे छोटे पंक्टा होते हैं, छेद होते हैं, जिसके थ्रू वो नोज में ड्रेन हो जाते हैं। जाके नोज में नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है, उसके थ्रू वो जाके वहाँ ड्रेन हो जाते हैं। तो हमारी आई में नॉर्मली इसलिए पानी नहीं आता क्योंकि वो वहाँ से ड्रेन हो जाते हैं। बट कुछ बच्चों में 5% इन्फेंट्स में और न्यूबॉर्न्स में क्या होता है कि ये नेसोलैक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, वो कंजेनाइटली ब्लॉक होती है। ब्लॉक वो इसलिए होती है कि जो कि नेसोलैक्रिमल डक्ट होती है उसके एंड पे वैल्व होता है, वैल्व ऑफ हेसनर, वहाँ पे एक मेम्ब्रेन परसिस्ट कर जाती है। तो इसकी वजह से वो जो होता है टीयर्स ब्लॉकेज हो जाता है और टीयर्स हमारे बाहर आते रहते हैं। बच्चों में बहुत कॉमन है, 5% इन्फेंट्स में जो पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं वो कहते हैं कि बच्चे की आँख में से बार बार पानी आ रहा है। और पानी जब होता है, जब ब्लॉकेज होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्चार्ज भी होने लगता है, आँख में से डिस्चार्ज भी आ जाता है, कीचड़ आने लगता है, और कीचड़ की वजह से पेरीओक्युलर क्रस्टिंग भी हो जाती है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ये पूरा 90% टाइम्स क्योरेबल होता है। इसके लिए होम रेमेडी होती है, आपको जनरली बस एक मसाज करनी है आँख की, रेगुलर मसाज होती है। यहाँ पे हमारी जो नोज और आईज के बीच में एक सैक होता है इस एरिया में यहाँ पे, तो उस पर हमें प्रेशर लगाना होता है, प्रेशर से मसाज करनी होती है यहाँ पे। तो ऐसे प्रेस करेंगे तो वो जो ब्लॉक होता है वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है। तो इसमें क्या करना है कि 10 से 15 बार प्रेस करना है, थोड़ा सा हैंड्स को अच्छे से वॉश करके, सैनिटाइज करके, छोटी फिंगर, लिटिल फिंगर से करना है, हैंड्स के जो नेल्स हैं वो कटे होने चाहिए, और यहाँ पे मसाज करना है 10 से 15 बार ऐसे प्रेस करके नीचे की तरफ ऐसा करना है, जिससे कि वो ब्लॉकेज जो है वो अपने आप खुल जाएगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर डिस्चार्ज है, अगर कीचड़ आ रहा है, तो उसके लिए कुछ ड्रॉप्स होती हैं, वो आप अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके वो डाल सकते हैं। तो मैं आपको लाइव डेमो दूंगी कि कैसे एक रेगुलर मसाज करनी है। तो अपनी छोटी फिंगर से हैंड वॉश होने चाहिए, सैनिटाइज होने चाहिए, छोटी फिंगर से करनी है। बच्चे की आँख और नाक के बीच में यहाँ पे स्पेस होता है, यहाँ पे यहाँ सैक होता है, थैली होती है आंसू की, उसको प्रेस करना है इस तरह से। थोड़ा सा सहलाना नहीं है, थोड़ा सा जोर से प्रेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जोर से नहीं, लेकिन मीडियम प्रेशर देना है ऐसे, इस तरह से प्रेशर देके नीचे की तरफ ऐसे करना है, प्रेशर देके नीचे की तरफ ऐसे। तो ये 8 से 10 बार करना है। और अगर बच्चे की आंख में ज़्यादा पानी आ रहा है, इसको 2 से 3 बार भी दिन में कर सकते हैं। और अगर पानी नहीं भी आ रहा है, तो छोटे बच्चों में एक बार तो दिन में मसाज करना ही है। ये तो अगर मसाज प्रॉपरली करते हैं तो 90% टाइम से क्योरेबल होता है। अगर मसाज नहीं करते हैं तो 1 साल के बाद इसका ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। थैंक यू।